बरेली के बरादरी इलाके में पुलिस ने कथित कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। 30 जुलाई को बरेली में गैर पारंपरिक रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर शुरू हुए विवाद में उपद्रव बढ़ा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी, तो SP प्रभाकर चौधरी ने हालात संभालने के लिए कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करवा दिया और महज आधे घंटे में बरेली शहर की कानून व्यवस्था को बहाल कर दिया। लेकिन 4 घंटे बाद प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और IPS अधिकारी को 32वीं वाहिनी PAC में सेना नायक बना दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अगर लाठीचार्ज भी हुई तो उसके लिए SSP का ट्रांसफर किस हद तक सही है, क्योंकि घटना के बाद SSP प्रभाकर चौधरी ने कहा था कि कुछ लोग भीड़ में तमंचा लेकर घुस आए थे और किसी भी हद तक बवाल काटने को तैयार, इसीलिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। अब घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक शख्स अपने कमर से तमंचा निकालता है, हवा में लहराने लगता है और फायर कर देता है। घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई शख्स भीड़ में इस तरह की घटना को अंजाम देने की मानसिकता रखता है तो फिर उसे रोकना और लाठीचार्ज करना कब से गुनाह हो गया, क्योंकि SSP प्रभाकर चौधरी अपने हर बयान में ये बात कहते आए हैं कि जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पर, और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे DJ करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के CCTV फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। बता दें कि 2010 बैच के प्रभाकर चौधरी के लिए ट्रांसफर कोई नई बात नहीं है। बीते 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाल चुके प्रभाकर चौधरी का 18 बार अब तक तबादला हो चुका है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, UP तक।